आप देख सकते हैं हमारे फ्राइड राइस के चावल कितने खुले खुले बने हैं, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, परफेक्टली कुक्ड, और तैयार होने के बाद भी बिल्कुल स्टिकी नहीं हुए हैं, कितने ज्यादा ग्लेजी हैं ये। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल बिगिनर्स किचन लव द स्पाइसेस। आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे मैजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके फ्राइड राइस बिल्कुल खुले खुले रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कुकिंग द राइस प्रॉपरली। उसके लिए हमने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए डाल दिया है। अब उसमें हम डालेंगे लेमन जूस 2 स्पून, अच्छे से मिला लेंगे। फिर ऑयल डालेंगे 2 स्पून। बस यही 2 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको पहले ही डाल देना है। इसका असर आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। अब अपना बासमती राइस डाल देंगे, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको डाल देंगे हम पूरा। इसको मैंने 250 ग्राम लिया हुआ है जो कि 8 से 10 लोगों के लिए काफ़ी है, एवरेज अमाउंट में काफ़ी है। इसे पकने में हमें टोटल 15-20 मिनट्स लगेंगे। देखिए 5 मिनट बाद ही ये अच्छे से कुक होना शुरू हो चुका है। बीच बीच में स्टेयर करते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग सकता है। ये ऑलमोस्ट पक चुका है। ध्यान रखिए हमें इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, हमें इसको बस 60% कुक करना है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं इसे। पहले हम एक चावल लेंगे वेरी केयरफुली, बहुत गर्म है ये। इसे हम हल्के से उंगलियों के बीच में दबाएंगे, और अगर ये 2-3 टुकड़ों में ऐसे टूट जाता है देखिए, तो इसका मतलब आपका राइस अब परफेक्टली कुक्ड है। गैस बंद कर दीजिए और इसका फटाफट से पानी निकाल कर इसे दूसरे बर्तन में रख दीजिए, जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। देखिए हमारे चावल कितने खुले खुले बने हैं। बस यही है मैजिक, जरा सा नींबू का रस और तेल डालने का अपने उबलते हुए पानी में। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की ओर, फ्राई देम ऑल। एक बड़े से कढ़ाई में तेल हम गरम कर लेंगे, उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला, इससे स्मेल काफ़ी अच्छा आता है। अब इसमें हम डालेंगे होल स्पाइसेस, इसमें है सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, इलायची और दालचीनी, सारे डाल देंगे हम। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, याद रखें हमें फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू और किशमिश 1 कप। इसको मैंने 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था। इसको हम लाल होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ गाजर 1 कप, और डालेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ बीन्स 1 कप। अब सारी चीज़ों को मिला लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे हम और मिला लेंगे। हमेशा थोड़ा फ्राई करने के बाद ही नमक डालें, क्योंकि पहले डालेंगे तो इससे इसका पानी निकलने लग जाएगा। अब इसको हम कवर कर देंगे और कुक्ड होने देंगे 10 मिनट्स तक। 5 मिनट बाद चेक कर लेंगे, इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया है, स्मेल भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। फिर से कवर कर देंगे, हो गए 10 मिनट्स। अब चेक कर लेते हैं, वाओ
जस्ट लुक एट दिस, कितना प्यारा कलर आ चुका है, अच्छे से कुक्ड हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी 1 कप, बिल्कुल लो फ्लेम में इसको कुक करना है प्यार से अच्छे से। अब हम शुगर को तब तक मिलाएंगे जब तक कि पूरी तरह से गल ना जाए। चीनी के अच्छे से गल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे घी 2 चम्मच, घी से इसका स्मेल और टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। 1 चम्मच घी रोज खाने से ये नेचुरली हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। सब कुछ अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम अपना मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि हमारा चावल। चावल बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसको 3 बैच में डालेंगे। पहला बैच हमने डाल दिया है, धीरे धीरे हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब हम अपना 2nd बैच डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे और उसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। अगर हम सारा चावल एक साथ ही मिला लेंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसलिए हमने इसको 3 बैचेस में डिवाइड कर लिया है। अब हम लास्ट बैच अपना डाल देंगे, जितने बचे चावल हैं वो हम इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब धीरे धीरे अपने सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेना है। देखिए मिक्स हो चुका है। अब इसमें एंड ग्लेज के लिए हम 2 चम्मच घी और डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा ग्लेज आएगा आपके फ्राइड राइस में। ऊपर से इसको फैला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखा आपने कितना इजी और सिंपल है इसका रेसिपी। फटाफट से आप बना सकते हैं इसको अपने गेस्ट के लिए और उनको सर्व कर सकते हैं गरम गरम। हमारा ये लगभग तैयार हो चुका है। इस वक्त आप अपना टेस्ट करके देख सकते हैं इसमें कुछ नमक या चीनी का ज़रूरत है या नहीं, इसको आप इस वक्त डाल सकते हैं। मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतने दूर आ गए हैं तो एक टिप और बनता है। ये कुक्ड होने के बाद कई बार चीनी की वजह से स्टिकी बन जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। अब एक ऐसा बर्तन लेंगे जिसमें ऐसे छेद हो, इससे कवर कर देंगे। इससे होगा क्या, पहला जो आपका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो आपका राइस सोक कर लेगा और सेकेंडली आपका जो वेपर है वो पानी बन के आपके राइस में जाएगा नहीं। तो 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको ओपन करेंगे और देखिए हमारा राइस बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, स्मेल भी बहुत बढ़िया आ रहा है और ग्लेजी भी बहुत है। तैयार है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस। द 3rd स्टेप, सबका फेवरेट, सर्व एंड एंजॉय। यूजुअली हम फ्राइड राइस के साथ कुछ ना कुछ खाते ही हैं। उन रेसिपी को जानने के लिए मेरे इन वीडियोस को क्लिक कर लीजिए और भी रेसिपीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।